श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो हर हर महादेव। सत्संग परिसर में विराजमान संत विप्रवृंद सद्धर्म निष्ठा संपन्न श्रोता बंधुओं एवं सद्भावमयी भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, कल जो अंतिम प्रसंग था अदत्तम नैव गृहणीयात, कोई भी कितनी भी अमूल्यतम वस्तु आपकी दृष्टि में हो, पथिवा यदि वा गृहे वो रास्ते में पड़ी हो अथवा घर में रखी हो, वो मार्ग में पड़ी हो अथवा घर में रखी हो, परंतु अदत्तम नैव गृहणीयात, वो बिना दिए नहीं लेनी चाहिए। उस पर स्वत्व भाई का है, अधिकार भाई का है कि पत्नी का है कि पुत्र का है कि पिता का है कि मां का है। सिद्धांत है कि अदत्तम नैव गृहणीयात मत लीजिए बिना पूछे। महाभारत के प्रारंभ में एक बड़ी विचित्र कथा आती है, याज और उपयाज नामक दो बड़े विद्वान महात्मा हैं, दोनों के दोनों सगे भाई हैं। महाराज द्रुपद को यज्ञ करना था, ऐसा यज्ञ जिस यज्ञ के करने पर ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य का वध कर दे।
गंगा यमुना के किनारे पर खोजते रहे, अंत में पता चला कि याज और उपयाज नामक दो बड़े विद्वान हैं विशिष्ट, यदि वो मान जाते हैं तो काम बन जाएगा। फिर भी अंतरंग परीक्षा में पता चला कि छोटे वाले ज्यादा श्रेष्ठ हैं बड़े वाले की अपेक्षा, वो निर्लोभी हैं, सिद्धांत के रक्षक हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न हैं, विरक्त हैं। तो द्रुपद ने सोचा कि छोटे वाले को मना लेते हैं। छोटे वाले ने टाल मटोर करने के बाद अंत में कहा, भाई देख मैं तो नहीं कराऊंगा, मुझको नहीं आवश्यकता है, पर मेरे भाई में थोड़ा लोभ है, वो गड़बड़ करा सकता है, वो कर देगा, जाओ बड़े के पास जाओ। तो द्रुपद ने पूछा, महाराज बड़े वाले में लोभ है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, और वो करा देगा कैसे कह सकते हैं? बोले, जब हम पढ़ते थे तो एक बार बड़े भैया ने रास्ते में पड़े हुए फल को उठा करके बिना धोए खा लिया था। जो व्यक्ति फल जैसी तुच्छ वस्तु पर भी अपना मन गिरा सकता है, वो लोभ के लिए क्या नहीं कर सकता। छोटे भाई ने कहा, वैसे बड़ा भाई विद्वान है, महान है, ज्ञानी है, जैसे खिचड़ी में से एक चावल देख करके लोग जान जाते हैं कच्चा है कि पका है, वो सारे चावल नहीं चुनने पड़ते कि देख लें कच्चे हैं कि पके हैं। ऐसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखने के लिए बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। जो कहते हो कि हमको गुस्सा नहीं आता, हमको ये नहीं आता, हम ऐसे हैं, हम त्यागी हैं, थोड़ा सा परख करके देख लो, मालूम पड़ जाएगी। धन के लिए लड़ने लग जाए, कम मिला है ज्यादा दो, तो वाणी पर वैराग्य है, वाणी में त्याग है, व्यवहार में नहीं है। सम्मान के लिए, ऊंचे आसन के लिए लड़ने झगड़ने लग जाए तो समता और वैराग्य वाणी में ही है, व्यवहार में नहीं है। और जिसके यहां तुम 1 करोड़ चढ़ाओ चाहे 1 मत चढ़ाओ, वैसा ही बैठा रहे मूर्ति माधव मूर्ति की तरह से, उसे क्या फर्क पड़ेगा। हम बिना मतलब के परेशान रहते हैं कि दुनिया की सब अच्छाइयां हमारे यहीं टिक जाएं। गंगा जी का घाट कितना भी अच्छा लगता हो, पर जल धारा की ताकत नहीं है कि उस अच्छे घाट पर चिपक करके रह जाए, उसको बहना है, बह जाना है, बहेगा। ये जीवन धारा भी काल के प्रवाह में ऐसे ही चल रही है, कभी अच्छे घाट मिलेंगे, कभी बुरे घाट मिलेंगे, कभी कोई कूढ़ा डाल जाएगा, कभी कोई फूल चढ़ा जाएगा, ये सब चलता रहेगा। उसने कहा, बड़े भाई में एक कमी थी, और इतना ही नहीं, जब हम लोग गुरुकुल में रहते थे तो दूसरे के बचे हुए अन्न को बिना परीक्षण किए वो चुपचाप लेके बिना पूछे खा लेता था। ये दो कमी छोटे भाई ने बड़े भाई में बताई। अब बताना जरा, ये कोई चोरी है, ये कोई पाप है? इस कथा के कहने का उद्देश्य है कि महापुरुषों के परीक्षण का स्तर कितना सूक्ष्म है, उनकी कसौटी कितनी विलक्षण है। हम बहुत मोटे तौर पर किसी को देख के कहते हैं, भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, किसी को ऊंचे लेवल पर देख के, हाँ भाई ठीक है, अच्छे हैं। तो द्रुपद पहुंच गए वहां, महाराज आप कराओ और 1 करोड़ गाय दूंगा, मिली कि नहीं मिली भगवान जाने। वो 10,000 या 20,000 कुछ गाय देके का बाद में दूंगा, अब इतनी ले लो। और यज्ञ संपन्न हो गया, उसमें फिर उपयाज को भी जोड़ लिया गया। बाद में लोगों ने कहा, तुम तो मना करते थे, क्यों आ गए? बोले, बड़े भाई की आज्ञा। और जो आचार्य बनता है, नेतृत्व करता है, दोष उसको ज्यादा लगता है, जिम्मेदारी उसकी है, मेरी नहीं है, मैं तो मंत्र भाग के उच्चारण के लिए आया हूं, ऐसा कह करके उपयाज ने वहां समाधान किया। और कल आपने सुने कि अपने भाई के बाग के फलों को बिना पूछे लिया तो हाथ कटाने तक का दंड मिला। हमको नहीं मालूम सही से, पर हमने सुना है कि जो चीन के दो यात्री आए थे फाहियान आदि, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में उस समय न कहीं चोरी होती थी, न कहीं झूठ बोला जाता था, न पूरे भारतवर्ष में अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भिखारी था। मैकोले ने भी लिखा है, वाह वाह, माने 1950 लगभग 110-120 साल पहले तक
हम 1885 माने 1985 जोड़े हैं तो लगभग 125 साल पहले तक आपके भारतवर्ष की तस्वीर ऐसी दिखाई जाती थी दुनिया में कि कोई चोर नहीं, लुटेरा नहीं, भिकमंगा नहीं, अशिक्षित नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, मेरे मन में ये बात दूसरे ढंग से आती है। लॉर्ड मैकाले ने जो कहा या फाहियान आदिक ने जो हमारे भारतवर्ष के बारे में तस्वीर दिखाई है, अपने नजरिया से हर व्यक्ति बोलता दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि हो सकता है उस जमाने में कोई निरक्षर रहे हो, परंतु हम आदर्शों की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से, जैसे आप जितने लोग बैठे हैं बड़े बूढ़े, आपने देखा होगा कि हमारी माताजी नहीं पढ़ी थी, एक अक्षर पर रामायण जानती थी। हमारे दादाजी बिल्कुल नहीं स्कूल गए परंतु उनको गीता जी याद थी। हमारे अमुक चाचा जी या अमुक हमारे गांव में, तो मुझे लगता है कि स्कूलीय शिक्षा की दृष्टि से भले ही वो एक दिन भी ना गए हों, परंतु मॉरली, आचरण की, आध्यात्मिकता की दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से बहुत समुन्नत थे। आज की पढ़ाई की अपेक्षा भी वो बहुत आगे थे। एक दूसरी बात है, जब से धरती बनी है और जब तक ये धरती रहेगी, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई गरीब नहीं था। ये बात भी गले उतरने के लायक नहीं है कि कोई गरीब नहीं था। ये जब से धरती बनी है ना, या अमीरी गरीबी रही है, देने वाले और मांगने वाले रहे हैं। सदा से राजा महाराजाओं के यहां, सेठ साहूकारों के यहां याचना करने वालों की पंक्ति रही है, ऐसा पुराण कह रहे हैं। पर उस मांगने में और उस देने में और आज के मांगने और देने में जमीन आसमान का अंतर है। वहां लिप्सा नहीं थी, लालच नहीं था, लोभ नहीं था, दैन्य नहीं था। देने वाला स्वयं को धन्य मानता था कि मेरे दरवाजे पर भगवान की कृपा से ये लोग आए हैं। एक बात। दूसरी बात, गरीबी अमीरी की, मुझे लगता है कोई दुखी नहीं था, कोई परेशान नहीं था। भारत के लोगों को हर हाल में मुस्कराने की कला आती थी, उत्सव मनाना आता था। बिना साधन के भी वो उत्सव मना सकते थे, मुस्करा सकते थे। इस दृश्य को देख करके उन लोगों को लगा कि हमारे यहां तो दौलत होती है तब मुस्कराना मुश्किल हो जाता है, इन लोगों के पास में जरूर पहनने को कपड़े नहीं हो, चाहे घर छोटा हल्का कमजोर हो, पर इन लोगों के पास में कोई छुपी हुई दौलत है जिसके कारण ये मुस्कराते हैं, नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। हमारा भारतवर्ष में जन्म लेने वाला जो मनुष्य था, हमारे जो पूर्वज थे, उनको प्रतिकूलताओं में भी मुस्कराना आता था। और हमको विरासत में अंग्रेजों से मिल गया है कि सब कुछ है पर रोना मत छोड़िए, और रोने के लिए नए नए बहाने ढूंढ लीजिए। रोने और दुखी होने का एक ही सूत्र है, जो नहीं है उसे पकड़ करके बैठ जाओ। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसू नहीं रुकेंगे, तुम्हारी गर्म सांसें नहीं रुकेंगी, तुम्हारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। और मुस्कराना है, सुखी होना है, आनंद में जीना है, तो जो मिला है उसका सदुपयोग करो। पहले ये आंखें इतनी अच्छी दी हैं, इसका लाभ ले लिया क्या? ये कान इतने खूबसूरत दिए हैं, इनका फायदा उठा लिया क्या? ये पैर, ये हाथ इतने अच्छे अच्छे दिए हैं, इनका फायदा उठ गया क्या? यदि कर लिया हो तब ध्यान दो कि जो नहीं है उधर वो मिल जाए। अपने बड़े भाई के बाग से भी फल लेने का मतलब ये व्यावहारिक शुचिता और पारदर्शिता का कितना उच्च आदर्श हमारे समाज में रहा है, उसका एक दिग्दर्शन है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वेद व्यास जी महाराज ने हयग्रीव और सेनजीत दो राजाओं के माध्यम से एक बहुत प्यारे सिद्धांत का निरूपण किया है धर्मराज के सामने। वो कह रहे हैं, हे धर्मराज, विनष्ट वस्तु न तो चिंता करने से और न पुरुषार्थ करने से और न ही किसी अन्य उपाय से प्राप्त हो सकती है। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने के लिए चाहे जितने उद्योग कर लो, वो जीवित नहीं होगा। पराभव के समय कोई कला, चमत्कार, शक्ति काम नहीं आती। समय के अनुसार मनुष्य के जीवन में सुख दुख ऐसे ही बदलते रहते हैं, जैसे दिन रात बदलते हैं, सर्दी गर्मी बदलती रहती है, धूप छांव बदलते रहते हैं।
न तो हमेशा सुख ही रहना है न हमेशा दुख ही रहना है, ये शाश्वत सिद्धांत है। इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, समझ लोगे, उतना ही जीवन में आनंद हो जाएगा। सुखस्या अनंतरम दुखम, दुखस्या अनंतरम सुखम, न नित्यम लभते दुखम न नित्यम लभते सुखम। एक बहुत प्यारा शब्द है भगवत गीता में, आगमा पाई नह और अनित्या। फिर आगे बोले तांस तिति छस्व भारत। इस दुनिया के सब अनुकूलता प्रतिकूलता में, सुख दुख में, मान अपमान में, मित्र शत्रु में, सब जगह घटा लो। ये आगमा पाई है माने आने और जाने वाले हैं। आगमा माने आने वाले और अपाय माने जाने वाले, अपायो विश्लेषः, और अनित्य हैं। इसलिए इनको सहन करने के सिवा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। बोले साहब सुख को भी सहन करना है, अनुकूलता को, हां वो भी पचाना बहुत मुश्किल है। असफलता को पचाना बहुत आसान है, पर सफलता को पचाना बहुत मुश्किल है। तुम पराजित हो गए, आंसू गिराओगे, कमरे में सोकर के चार दिन गुजारोगे, समय दवा कर देगा, ठीक हो जाओगे, बाहर आ जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। पर तुम जीत गए ना तो वर्षों तक पागलों की तरह घूमोगे, तुम्हारे पैरों में पहिए लग जाएंगे, उड़ोगे बिना पंखों के, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझोगे। अहंकार के चक्कर में आकर के तुमको सफलता का पचना बहुत मुश्किल है। भूखा रहना आसान है, पर ज्यादा भोजन करके उसको पचाने के लिए वो बहुत मुश्किल है कि संयम हो, पचाया जा सके। प्राप्तम प्राप्तम उपासित हृदयेन अपराजितः। चाहे जैसी प्रतिकूलता आ जाए, दुख आ जाए, बिना हिम्मत हारे डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए। जत प्राप्तम अस्ति तद एव उपासित हृदयेन अपराजिता। अपराजित हृदय के द्वारा बिना दिल से हारे हुए उसका सामना करना चाहिए। कह रहे भैया संसार में दो ही लोग सुखी हैं, अब उन दो में से आप कौन से बन सकते हो देख लो। जो संसार में महामूर्ख है, महाबज्र है, जिसको कुछ नहीं आता, एक तो नंबर वो सुखी है, और दूसरा कौन सुखी है? बोले जो महाज्ञानी है, जो तत्व को जान गया है, संसार के उपक्रम से ऊपर उठ गया है। दो ही हैं। अब जरा अपने बारे में सोच लो, हम कहां हैं, इधर के उधर। और जितने भी बीच वाले हैं उनका तो यही हाल होना है जो हो रहा है। हमने कह रहे, व्यास जी ने कहा है धर्मराज से, जेच मूढ़ तमा लोके जेच बुद्धे है परंगता त एव सुख मेधन्ते मध्यमः क्लिश्यते जनः। बीच में रहने वाले लोगों को तो शाश्वत है, निर्धारित है कि ये परेशानियां आएंगी आएंगी, आमना सामना करना ही पड़ेगा। जो वज्र है, मूढ़तम है, उसको माला पहनाओ या धूल मारो से क्या फर्क पड़ेगा। जो जटवरत जी महाराज के जैसा, दत्तात्रेय भगवान के जैसा तत्व से अवगत होने वाले महापुरुष हैं, जो मानापमान से ऊपर उठ गए हैं, उन पर क्या फर्क पड़ेगा माला पहनाओ या उनको आपने निंदा कर दिया, स्तुति कर दिया, कोई अंतर आना नहीं है। तब बीच के लोगों के जीवन में भी खुशियों के पल आ सके, वो सहज और शांत रह सके, इसका क्या उपाय है? बोले केवल सत्संग। हम जो दुनिया भर में बीच के लोग जी रहे हैं, ना इधर रहे ना उधर रहे, हम जो पथिक हैं, यात्रा कर रहे हैं, मैंने एक तरह से यह मानो जिसने यात्रा प्रारंभ नहीं किया वो मूढ़ है, और जो यात्रा पूर्ण कर चुका है वो महाज्ञानी है।
इसको ऐसे समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। जिसने जाना ही नहीं है क्या करना है, क्यों करना है, कहां जाना है, वो जहां पड़ा है ठीक ही है। पिछले जन्मों में किसी गहरी जड़ता से निकल करके किसी पुण्य के वशीभूत होकर के मानव तो बन गया, पर अभी मंजिल पाने की ललक नहीं जगी है, सपना ही देखना नहीं जानता है, सोचना ही नहीं है, वो व्यक्ति जिसने यात्रा प्रारंभ नहीं की। और एक वो जो चल करके पार हो गए हैं, हम बीच में जो चल रहे हैं, इनको हर कदम पर अनुकूलता प्रतिकूलता, अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, सर्दी गर्मी बरसात मिलेंगी, इन इन अवस्थाओं में जीने वाले लोगों के लिए क्या उपाय है कि वो मुस्करा करके जी सकें? बोले केवल और केवल सत्संग, सद्विचार, सच्चर्चा। बड़े महापुरुषों ने बहुत चिंतन किया है, सच्चर्चा अलग है, सच्चिंतन अलग है, सदाचार अलग है और सत्संग अलग है, और चारों के चारों एक दूसरे से जुड़े हुए अनुपूरक हैं। आप सत की चर्चा करोगे तब चिंतन करोगे, तब उसको आचरण में उतारोगे, तब उसका संग करोगे। पहले सच्चर्चा करो। सत्चर्चा के दो अर्थ हो सकते हैं, सत माने अच्छे लोगों के संग बैठ करके चर्चा करो, और दूसरा बोले सत के विषय में चर्चा करो। सच्चिंतन के भी दो भाव हो सकते हैं, सत माने अच्छे लोगों के साथ में बैठ करके चिंतन करो और सत के विषय में चिंतन करो। तो पहले सच्चर्चा, फिर सच्चिंतन और फिर सत आचार। हमारे आहार व्यवहार का आधार सत हो असत नहीं होना चाहिए। और सत का मतलब है नाशवान वस्तु के लिए तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा आचार असत में चला जाएगा। पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति के लिए और संपन्नता के लिए, इसके लिए उसके लिए, नित्य तत्व के निमित्त आपके चित्त में चेतना है, आपके हृदय में भगवत्ता के प्रति आकर्षण है, तो आपका सदाचार परिनिष्ठित होगा, सिद्धांततः आपके आचरण में आ जाएगा। और जब ये सच्चर्चा, सच्चिंतन, सदाचार आपके जीवन में आ जाएगा तो फिर वास्तव में सत्संग घटित हो जाएगा। सत्संग करना नहीं पड़ता, सत्संग तो होता है। जैसे अनायास पुष्प के खिलते ही पुष्प में खुशबू आने लग जाती है, ऐसे ही सच्चर्चा, सच्चिंतन, सदाचार के बाद सत्संग की खुशबू तो आपके अंदर से अपने आप निकलेगी। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हम सत्संगी हैं। और बड़े बड़े महात्माओं ने हजारों लाखों बार कहा है, शास्त्रों ने कहा है, इच्छा रहित तो जब हो जाओगे, जब संसार से संबद्ध जितनी भी आकांक्षाएं हैं उनसे अपने आप को समेट लोगे। एकदम से तो खत्म होना संभव नहीं है, पर धीरे धीरे हटो, इच्छा रहित जितने होते चले जाओगे, आप देखोगे कि आपके जीवन में ये जो सूत्र है ये खुशबू लेकर के आ रहा है, खुशबू लेकर के आ रहा है, महक ला रहा है, आपका जीवन सुगंधित होता चला जा रहा है। बहुत बहुत माला जप कर लें, बहुत पाठ कर लें, फिर कहते हैं महाराज मन नहीं लगता। अभी विचार करें तो मन है कहां, किसी को खबर ही नहीं है। चाहे द्वैत के विषय में विचार करें, चाहे अद्वैत के विषय में विचार करें, मन है कहां, किसी की पकड़ में ही नहीं है। और किसी को मालूम पड़ जाए कि मन ये है तो शरीर का पार्ट है, इस शरीर में उसकी कहीं हिस्सेदारी है क्या मन की? दुनिया के किसी चिकित्सक के पकड़ में आ जाए, किसी ज्ञानी महापुरुष की पकड़ में आ जाए, तत्वदर्शी की पकड़ में आ जाए कि मन नाम की कोई चीज शरीर के अंदर है तो समझ में भी आवे। बड़े बड़े महात्माओं ने कहा कि मन है कहां,
जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कह करके अंतःकरण चतुष्टय बताते हैं, एक बाह्यकरण 10 और अंतःकरण 4। जो अंतः माने अंदर के, करण माने साधन है, और बाह्यकरण माने बाहर के साधन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बाहर के करण है, साधन है, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। और अंदर के 4 साधन बताए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इन्हीं को अंतःकरण कहा जाता है। पर ये चारों एक हैं कि अलग अलग हैं? बताते साहब, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है। जहां तक हमारी समझ में, हमने अपने गुरुजनों के पास बैठ करके जाना, हमको तो लगता है कि एक जैसे टीवी की स्क्रीन पर अनेक चैनल आ जाते हैं, कभी आस्था, कभी दूसरा का संस्कार, कभी श्रद्धा या साधना, जो भी चैनल है वो आ जाते हैं, और हर चैनल अपना अलग कुछ आपको दिखा और सुना रहा होता है। ठीक वैसे ही चित्त की स्क्रीन पर जब बहुत चंचलता हो, संकल्प विकल्प के भाव हो, तरंगे उठ रही हो, तो समझना चित्त उस पल में मनाकारित हो गया है, मन हो गया है। स्वतंत्र कोई अस्तित्व मन का नहीं है, पर वो चैनल पकड़ना मन हो गया चित्त का। और जब निश्चयात्मक वृत्ति का उदय हो जाए तो मन गायब हो जाएगा, वो चित्त बुद्धि हो जाएगा। और जब मैं करता हूं, मैं इस वृत्ति का उदय हो तो वो चित्त क्या हो जाएगा? बोले अहंकाराकारित हो जाएगा, वहां ना मन रहेगा ना बुद्धि रहेगी। और जब कुछ नहीं रहेगा तो टीवी की तरह से बिल्कुल क्लीन चित्त रह जाएगा। और ये मन कब आता है, मन कब बनता है, मन का चैनल कब लगता है? जब आपके मन में ये पाऊं, ये करूं, इच्छाओं का प्रवाह आता है, इच्छाओं की हवा का झोंका जैसे ही चित्त में प्रवेश करता है, तो जैसे शांत जल पर लहरें उठती हैं, इन लहरों का उठना समुद्र बदला नहीं है। समुद्र का चंचल होना, समुद्र पर लहरें उठना, ये किसी हवा के झोंके का असर है। स्वाभाविक रूप से समुद्र पर कोई लहरें वहरें नहीं है। वायु का कहीं ना कहीं संबंध होगा तो लहरें उठने लग जाएंगे। ऐसे ही शांत चित्त में कामनाओं की बयार जब प्रवेश करती है तो वो अशांत हो जाता है, उस पर संकल्प और विकल्प की लहरें उठने लगती हैं। आपके तो मन को नहीं, इतना सा मन है। और ये दावा है, आप इच्छाओं का उदय मत होने दो, हवा का झोंका मत आने दो, आपका मन कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दो ही लोग सुखी हैं, जिसने यात्रा पूर्ण कर ली है एक, या जो अभी चलना शुरू ही नहीं किया है दो। जो चलेंगे, जो बीच में हैं, उनको तो परेशानियां ही परेशानियां होंगी, और उनको विवेक के द्वारा दूर किया जा सकता है। वो विवेक क्या है, विचार क्या है? इन परेशानियों में संतुलित रहना, सामान्य रहना, सहज रहना, अविचलित रहना, अविकल रहना, ये कैसे संभव है? जितना आसान है कह देना, उतना ही कठिन है उन पलों को सहजता से जी लेना। पर एकमात्र विवेक है, विचार है। मैं बहुत विचार करके कह रहा हूं, कोई कहे मैं भक्त हूं तो बच जाऊंगा, नहीं होगा। मैं ज्ञानी हूं बच जाऊंगा, नहीं होगा। सीता जी को विदा करते समय विदेहराज जनक भी आंसू गिराने लग गए, मिटी महामर्जाद ज्ञान की। ब्रह्म को, भगवान को पुत्र के रूप में पाने पर भी दशरथ जी महाराज विकल हो गए। ऐसा मत समझना कि ज्ञानी ज्ञान के आवरण को ओढ़ने पर काम बन जाएगा, या भक्ति की चादर में लिपटने से काम बन जाए। विचार काम करेगा, और विचार क्या करेगा? यद्यपि विचार पुष्ट होगा ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही,
उसका ऐसा नहीं कर रहे आप सोचो कि साहब भक्ति को भी हटा दिया, ज्ञान को भी हटा दिया, एक नए ले आए विचार। विचार क्या है? विचार क्या है? विवेक। ये विवेक पैदा होगा भक्ति और ज्ञान की कोख से ही। विचार ये है, जब आपको कमल का फूल बहुत सुंदर लगने लग जाए, उस कमल के फूल को देख करके आपके चित्त में इतना आकर्षण आए, इतना मन करे कि ले लो, तोड़ लो, खरीद लो, ये मेरा हो जाए, इस कमल के फूल के बहाने से दूर दूर तक जाना, जहां तक तुम्हारी पहुंच है वहां तक गोता लगाना। एक उदाहरण भर दे रहे हैं, बाकी तुम्हारी समझ है जहां तक जा सको। एक कमल के फूल की खूबसूरती पर, उसकी खुशबू पर मुग्ध होकर के आपने के आपके मन ने कहा चाहिए, लेना है, तो थोड़ा ठहर जाओ और पूछो कि ये जिस फूल पर मेरा मन आया है, ये फूल कितने दिन तक ऐसा रहेगा, कब तक तुम्हारा संग निभाएगा, ये खूबसूरती, ये खुशबू कब तक रहेगी। जिस व्यक्ति की खूबियों पर, खूबसूरती पर, खुशबू पर तुम फिदा हो रहे हो, वो खूबियां कब तक रहेंगी, वो खुशबू कब तक रहेगी, खूबसूरती कब तक रहेगी। आपको उत्तर मिलेगा, ये 10 दिन तक कमल का फूल चमक रहा है, 10 दिन के बाद क्या होगा बताओ, क्या होगा? ऐसे नहीं गिरेगा, धीरे धीरे गिरने दो, जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसकी चमक खत्म हो जाएगी, उसका आकर्षण मरने लग जाएगा। और मुरझाया फूल आपने देखा हो तो देख लेना, ये एक फूल भी वैसा ही होने वाला है। तुमने तोड़ लिया, भगवान तक चढ़ा लिया तो ठीक है, अन्यथा क्या होगा, आभाहीन होकर के, सूख करके वो फूल झड़ जाएगा। कहां कहां झड़ेगा बताओ, कहां? कीचड़ में। 2-4 दिन तक कीचड़ के ऊपर पंखुड़ियां दिखेंगी, फिर क्या होगा, मिल जाएगा कीचड़ में, और पहले मिलेगा फिर बन जाएगा कीचड़। अब ढूंढो कमल का फूल कहां है। अच्छा, जिस कमल के फूल पर तुम इतने मुग्ध हो रहे हो, मरे जा रहे हो, तो थोड़े दिन पहले आओ। 10 दिन पहले कमल का फूल कहां था, बोले कली था। उसे 15 दिन पहले कहां था, बोले केवल बेल था, लता था। उसके पहले कहां था, बोले कीचड़ था। कीचड़ की खूबसूरती पर, खुशबू पर आप इतने पागल हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि गंदगी से निकली हुई खूबसूरती है जो कुछ पलों को आपको भ्रमित करने के लिए आई है। थोड़ा इंतजार करो, फिर कीचड़ बन जाएगी। ये विचार आपको उस कमल के फूल के आकर्षण के पलों में भी शांत रखेगा, विचलित नहीं होने देगा। मान लीजिए किसी बहुत खूबसूरत, किसी बहुत सुंदर प्रतीक में आपका मन आ गया, तो थोड़े उसके प्रारंभ पर विचार कर लो, थोड़ा परिणाम पर विचार कर लो। ये यौवन का जो आकर्षण है, क्या बचपन में भी वैसा ही था, क्या बुढ़ापे में भी वैसा ही रहेगा, क्या जन्म और मृत्यु के समय भी उतना ही आकर्षण रहेगा। तो जब आप प्रारंभ और परिणाम पर विचार करने लग जाएंगे, तो दुनिया के आकर्षणों के पलों में भी आप शांत रह पाएंगे, आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। इसलिए भक्ति के साथ में विचार विवेक रखो, वैराग्य के साथ में विचार और विवेक रखोगे, तो आप सहजता से जीवन यात्रा को शांत भाव से पार कर सकते हो। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्मराज ने कहा कि भगवान वो तो सब ठीक है, पर मैंने इस विनाशी नाशवान साम्राज्य के लिए अपने पूज्य जनों को मरवा दिया, गुरुजनों को मरवा दिया, मैं तो शरीर त्याग दूंगा, मैं अपराधी हूं। सो सही से कलेवरम, मैं अन्न जल त्याग करके, अनशन करके प्राणों को त्याग दूंगा। न भोक्षे न च पानीयम उपभोक्षे कथंचन। व्यास जी महाराज भी समझाते समझाते थक गए, पर धर्मराज की समझ में नहीं आ रहा है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, राजन एक समय राजा जनक के मन में भी शोक का उदय हो गया। ये दोबारा कथा आ रही है। बड़े परेशान होकर के निर्णय कर लिया कि अब रहूंगा नहीं,
मुझे राज्य नहीं करना है, मैं तो वन में जाऊंगा। और जब ज्यादा परेशान हुए तो पहुंच गए महात्मा अश्मा के पास में। उन ज्ञानी विप्र अश्मा से कहा, भगवान बहुत परेशान हो, इस संसार की संपत्ति के पाने में और खोने में व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे कि वो परेशान ना हो। आगमे यदि बापाये ज्ञातीनाम द्रविणस्य च नरेण प्रतिपत्तव्यम कल्याणम कथमिच्छता। जो व्यक्ति आत्मकल्याण चाहता है, आत्म शांति चाहता है, उस व्यक्ति को महाराज क्या करना चाहिए। अपना प्रिय कोई अच्छा लगता है वो मर गया, कुछ व्यापार में घाटा लग गया, कोई पद मिला था वो छीन गया। अपाये माने विश्लेष होने पर ज्ञातीनाम द्रविणस्य च, और आगमे माने कुछ लोग जुट गए, कुछ संपत्ति आ गई, तो महाराज क्या करना चाहिए जिससे कि उसके कल्याण में बाधा ना पहुंचे। अस्माने का राजन, जन्म के साथ में सुख और दुख इस शरीर के साथ में जुड़ करके आते हैं। जिस व्यक्ति से जितना जो जहां जैसे मिलना है, ये चारों पांचों शब्द बड़े काम के हैं। क्या, कहां, कैसे, कब, क्यों, जो जितना जहां जिससे और जैसे मिलना है मिलकर के ही रहेगा। इस दुनिया में हमारे पारिवारिक के रूप में, मित्र शत्रु के रूप में वही लोग जुड़ते हैं किनारे किनारे जो पिछले जन्म के कुछ शेष रह गए हैं हिसाब किताब। इसलिए समग्र संसार को ऋणानुबंधी कहा जाता है। कई बार पुत्र से वो दुख मिलता है जो शत्रु से भी नहीं मिल सकता, और कई बार अनजाना व्यक्ति इतना सुख दे जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, किसी का कुछ चुकाने के लिए आए हैं, जिसका कर्जा लेकर के आए थे उसका कर्जा देने आए हैं, और जिसको हम कुछ दे के आए थे उससे लेने आए हैं, यही हिसाब चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना, ये बात बिल्कुल खरी नहीं है। कछु लेना न देना मगन रहना वाली बात पूरी तरह खरी नहीं है। लेन देन के सिवाय यहां तीसरा कोई काम ही नहीं है। कोई एक से ले रहा है सौ में बांट दे रहा है, कोई सौ से ले रहा है एक आदमी का घर भर दे रहा है। लेने देने के सिवा यहां कुछ नहीं है। एक किसी महापुरुष से किसी ने शब्द बटोरे जिसे ज्ञान कह देते हैं, और कोई किसी की क्षमता है सौ लोगों में बैठ करके बांट रहा है, कोई हजार में बांट रहा है, कोई कोई लाख लाख में बांट रहा है, कोई बहुत सारे लोगों से अर्जित करता है, किसी एक के पीछे ही लगा हुआ है पूरा उड़ेल जाएगा दे जाएगा। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से डायरेक्ट तुम्हारे जीवन में संबंध सौ लोगों से होते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा अंतरंग केवल दस लोग होते होंगे, इससे ज्यादा तुम्हारी ताकत नहीं है कि निभा सको। ये दूर दूर से दिखाई देने वाली जो दुनिया है ना, इसमें मुश्किल से सौ लोग होंगे तुम्हारे जीवन में जो डायरेक्ट बहुत करीब परिचय में आएंगे, और उनमें भी मुश्किल से दस होंगे जो तुम्हारे और ज्यादा करीब पहुंच पाएंगे। चाहे पूरी दुनिया की बात कहो, चाहे सवा सौ करोड़ की बात कहो, चाहे सवा सौ अरब की बात कहो। बोली वृंदावन विहारी लाल की। राजन दो, एक तो व्यक्ति परेशान क्यों होता है, इसका एकमात्र आधार है चित्त का विभ्रम, और चित्त का विभ्रम दो कारणों से होता है। जो तुम चाहते हो वो ना मिले तो तुम परेशान होगे, और जो नहीं चाहते वो मिलता है तो परेशान होते हो। परेशानी दो प्रकार से आएगी जीवन में। नंबर एक, जो चाहा वो नहीं हुआ, जिसको चाहा वो नहीं मिला, जहां जाना चाहते थे वहां नहीं पहुंचे। व्यक्ति, वस्तु और स्थान,
जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को, जिस स्थान को चाहते हो वो नहीं मिलेगा तो तुम परेशान हो जाओगे, और जिस वस्तु को नहीं चाहते, जिस व्यक्ति को नहीं चाहते, जिस स्थान को नहीं चाहते वो मिल जाएगा तो तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए विचारकों ने बीच का रास्ता बताया, या तो जो तुम्हें पसंद है वो पालो, या जो मिल गया है उसे पसंद कर लो। मन को ही तो थोड़ा सा इधर उधर करना है, या तो जो जगह पसंद है वहां जाके बैठ जाओ, कब्जा कर लो, नहीं मिल रही है तो जो मिल गई है उसी को पसंद कर लो, अपने हिसाब से घोंसला बना लो, घरौंदा बना लो, और जब तक जीवन है गुजारो, आनंद लो। जो तुमने चाहा है वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जो मिल गया है उसी चाह लो भाई, यही ठीक है। और ये नहीं करोगे तो जीना पड़ेगा, चाहे राजी से जियो चाहे गैर राजी जियो, चाहे कराह के जियो या सराह के जियो, जीना तो पड़ेगा ही। इसलिए कराहते हुए जीने से लाख गुना बेहतर है जो मिला है उसके साथ समाहित हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और राजन, ऐसी दुनिया में कौन है जिसने बुढ़ापे का और मृत्यु का सामना ना किया हो। जरा मृत्यु ही भूता नाम खादि तारौ ब्रिकौ इव। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा ठीक कर ले, जैसे कोई बचपन में मर गया, बुढ़ापे में मर गया, उसकी बात नहीं है, पर ज्यादातर एक सामान्य नियम के आधार पर कह रहे हैं कि जरा मृत्यु ही भूतानाम खादि तारौ ब्रिकौ इव। जैसे भेड़िया क्षुद्र जंतुओं को खाकर के पेट भर लेता है, ठीक वैसे ही बुढ़ापा और मौत हमको, आपको, सबको खाकर के पेट भरते हैं, उनका भोजन ही है। इसलिए कोई ये सोचे कि साहब मेरे जीवन में एक ही तरह का माहौल चलता रहे तो ये नहीं चलेगा। एक बहुत गजब की बात कर रहे हैं श्री वेद व्यास जी महाराज ने, अस्मा ने कहा जनक को, और व्यास जी महाराज सुना रहे हैं धर्मराज को, वैशंपायन जी महाराज सुना रहे हैं जन्मेजय को, और हम लोग भी बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं। तुम ये मत समझना कि आप साधारण लोग हो, आप अपने मन में ये मत सोचना कि आप साधारण है, आपकी आप गिनती में नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। दुनिया में यदि कहीं वैशंपायन के श्रोता की चर्चा होगी, दुनिया में यदि कहीं व्यास जी महाराज के श्रोता की चर्चा होगी, और दुनिया में कहीं यदि अस्मा महात्मा के श्रोता की चर्चा होगी, तो ये पक्का मान लीजिए कि दुनिया के कहीं न कहीं बही खाते में गीता भवन के 3 नंबर के इन श्रोताओं की भी चर्चा। कोई हंसी में मत टाल देना इस बात को, सोचो कि नहीं कोई हमारा कहीं हिसाब किताब ही नहीं है, हम तो आए थे बैठ गए यहां। अच्छा 24 घंटे मिले इनको, आप आ भी गए, बहुत अच्छी बात है कि घर छोड़ करके आ गए, बड़ी खुशी की बात है घर छोड़ आए, पर घर छोड़ने भर से काम नहीं बनेगा। आप आ गए, कमरा बहुत अच्छा मिल गया, बहुत खुशी की बात है, 1 2 3 4 5 6 तक, और 6 सही है, षट चक्र का ही मामला है, बहुत खुशी की बात है कमरा मिल गया, पर इतने से भी कल्याण नहीं होगा। तुम कमरे में आकर के खा गए और सो गए, और तुमने कन्फर्म मान लिया कि अब तो हम वैकुंठ में आ गए, हमारा काम हो गया। यदि उतने से ही काम हो गया होता तो इस परंपरा का प्रवर्तन करने वाले महापुरुषों ने सत्संग के ये सत्र ना चलाए होते। मैंने तो सुना है ये बुजुर्ग बैठे हैं कहते हैं कि पुराने समय में जो व्यक्ति सत्संग में नहीं आता था उसको एक समय का भोजन बंद हो जाता था, और यहां तो बड़ा फायदा है कि नहीं आओगे तो बढ़िया वाला माल बना करके और खाओगे, वाले टाइम बढ़िया है, टाइम ज्यादा मिल गयो। आप घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके यहां भी आ गए, यहां कमरा भी पा गए और सुविधा भोगी हो गए, वहीं अटक करके रह गए तो भी क्या होगा।
नहीं निकलना ही पड़ेगा। इस संसार में ऐसा कोई एक इंसान हो जो मिल जाए तुमको, जिसने कुछ नहीं किया सब कुछ पा लिया। आपको आंतरिक या बाह्य उद्योग करना पड़ेगा तब वो मिलेगा। अंतर इतना है, किसी के उद्योग नजर में आते हैं, किसी के नहीं आते। इसलिए बहुत काफी नहीं है, ये निकलना ही पड़ेगा। जो असक्त हैं, अक्षम हैं, वो सुविधाओं की दृष्टि से महसूस करते हैं, भाई चलना मुश्किल है, नहीं आ पाते हैं, तो बातें एक अलग है उनकी। उनको ही ध्यान में रख करके शायद ये सुविधाएं बनाई होंगी कि जहां बैठे हैं वहीं सुन लें। पर प्रमाद में, आलस्य में, मौज मस्ती में, निद्रा में, गप्पों में, खाने पीने में, सोने में यदि समय सत्संग का गुजार दिया तो जो पाने आए हो, जो पा सकते हो, उससे वंचित रह जाओगे। ये बात आपको नहीं सुनाई जा रही जो यहां बैठे हैं, ये बात वहां तक जा रही है जो यहां नहीं बैठे हैं। और ये किसी और माध्यम से सुन लें अथवा आप जाकर के उनको सुना दें कि ऐसा कहा गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कह रहे हैं वेदव्यासी, माने वेदव्यासी भी कह रहे हैं, अस्मा ने कहा कि जहां भुक्ता है वहां भोजन नहीं है, और जहां भोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है वहां कोई खाने वाला नहीं है। राजन, दैव की इतनी विचित्रता है, देखो तो सही। दरिद्रों के यहां बिना चाहे कई कई संतानें हो जाती है, कई कई बालक हो जाते हैं, चाहने रे फिर भी कई कई हैं गरीबों के यहां। और अमीर आदमी अपने समग्र एम्पायर को, साम्राज्य को संवारने के लिए रोज हाथ जोड़ता है, प्रभु एक वंश धारक दे दो, एक एक कोई दे दे, एक जो इसको संभाल सके, चला सके। नहीं मिलेगा। संति पुत्रा सुबहवो दरिद्राणाम अनिच्छताम, और नास्ति पुत्र समृद्धानाम विचित्रम विधि चेष्टितम। विधाता की चेष्टा इतनी विचित्र है, इस संसार का उपक्रम ऐसा विलक्षण है कि जहां चाहत है वहां कोई नहीं है, और जहां इच्छा नहीं है वह बहुत है। छोटा सा घर होगा, मुश्किल से बहुत छोटा, और भीड़ बहुत ज्यादा होगी, परेशान है, रहने को ठिकाना नहीं, रहने को ठिकाना नहीं। और आदमी होंगे बुढ़े बुढ़िया दो, घर होगा बहुत बड़ा, वो रो रहे हैं, हे भगवान कोई रहने के लिए नहीं है, कोई रहने के लिए नहीं है, रहने वाला नहीं है। एक कोई बड़ा सा सत्संग चल रहा था, नाम आदि नहीं बताएंगे, है गंगानगर की घटना, वैसे बहुत बड़ा समागम था लोगों का। तो आपस में जैसे माताओं का स्वभाव होता है, गीता पाठ के बाद आज यहां भी चल रहा था कुछ, बांध से जल को रोको आप, तो बेचारा मजबूरी में मचल करके रुका रहता है, पर जैसे ही उसे कोई थोड़ी सी जगह मिलती है तो फिर पूरी ताकत से कोलाहल करके वो जैसे बहता है ना, ऐसे गीता पाठ होने तक बड़ी मुश्किल से संयम रखा था, मन की भड़ास निकाल नहीं पा रहे थे, पर जैसे ही गीता पाठ शुरू हुआ, वो गीता पाठ पूरा हुआ, वैसे चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे कि छोटे छोटे बच्चे अटखेलियां कर रहे हों, छोटे छोटे पक्षी आपस में चींची कर रहे हों, बहुत आनंद आ रहा था। और बड़े होने पर भी बचपन के दर्शन हो जाएं, निश्चलता आ जाए, तब तो जीवन में आनंद ही आ जाए। मुश्किल से जब तक नारायण नारायण शुरू नहीं हुआ तब तक ये आवाजें बंद नहीं हुई। ऐसे ही माताएं कुछ बैठी हुई थी, चर्चा कर रही थी, अमुक जी, अमुक हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी, हमारे बापू जी, जैसे कुछ भी बोलते हैं लोग, इनकी वजह से मेरा मकान बन गया, मेरे उनकी नौकरी लग गई, मेरे बेटा हो गया। तो चार पांच ने कूद कूद करके, हां हमको भी संतान नहीं थी और उनकी कृपा से हमको ये हो गया। पास में एक बूढ़ी मां बैठी थी, बड़े गौर से सुन रही थी। मैं तो आपको सुनी सुनाई बता रहा हूं, वो कहता है हम वहां बैठे थे, ये बातें सुनी है हमने, हम उसके माध्यम से बता रहे, हमको नहीं पता है। तो उस बूढ़ी माँ ने बहुत गौर से 10-15 मिनट तक सुना, कोई कहता है हमको ये, हमको
उसने कहा जब मैं आ रही थी सत्संग में, भाई बुरा मत मानना ये तो बस ऐसे हंसी के लिए कह रहा है, जब हम रास्ते में आ रहे थे सत्संग के लिए तो रास्ते में एक सुकरिया पड़ी थी और 8-10 बच्चों को दूध पिला रही थी, उसके भी 8-10 बच्चे जो एक संग हुए तेरे बापू के आशीर्वाद से ही हुए होंगे। अरे तुम्हारा भला हो, अपने कर्म सुधार लो, कोई कुछ ना दे रहा। ये उस मां ने, बूढ़ी मां ने डांटा सबको, कोई कुछ देने वाला नहीं है धरती पर, जो बोलते हैं मैं दूंगा वो बहकाते हैं, जो ये कहते हैं दोनों हाथ उठा करके मैं हूं, मैं संवार दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये बात कभी वशिष्ठ जी ने नहीं कही भगवान राम के यहां। जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर जाओगे, गंगा नहाओगे, ये करोगे, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, वे बात बिल्कुल ठीक नहीं है। धर्म के आचरण करने का मतलब जीवन में दुख का ना आना, ये बात नहीं है। ये किसी भ्रम में रहना, गफलत में रहना गलत बात है। हम पांडवों से बड़े धार्मिक नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण नित्य जिनके सखा हैं, संरक्षक हैं, सारथी हैं, दूत हैं, सेवक हैं, मार्गदर्शक हैं, उन पांडवों के जीवन के दुखों को कोई दूर नहीं कर पाया। तब धर्म क्या सिखाता है, संत क्या सिखाते हैं, महात्मा क्या सिखाते हैं, धीरज रखना। सर्दी आएगी, उस सर्दी को मारना संभव नहीं है, सर्दी से बचाव किए जा सकते हैं। तुम अमीर हो तो बादाम खाओ, एसी में बैठ जाओ, हीटर के सामने बैठ जाओ, गरीब हो तो मेहनत करो, मूंगफली चबाओ और व्यायाम करो और आग के पास बैठ जाओ। आपकी गरीबी अमीरी आपके तन को ढकने के साधन जुटा देती है। सर्दी से जैसे लड़कर के नहीं जीता जा सकता, बचाव किया जा सकता है, वैसे ही इन प्रतिकूलताओं में भी केवल तुम्हारी साधनाओं के बल पर, संतों के आशीष से तुमको आत्मबल मिलेगा। और उस आत्मबल की ऊष्मा से, भगवान की प्रार्थनाओं की ऊष्मा से सर्दी खत्म नहीं होगी, तुम्हारे अंदर ऊर्जा आ जाएगी और उस ऊर्जा के प्रभाव से आपको पता ही नहीं चलेगा कब सर्दी आई कब गई। मेरी बात गलत हो तो यहीं छोड़ जाना, पर किसी भ्रम में मत रहना कि प्रतिकूलता नहीं आएगी, घाटा नहीं लगेगा, दुख नहीं आएगा, ये परेशानियां नहीं आएंगी। वो आती हो तो आने दो। एक व्यक्ति ने, विचारक ने कहा है, जब तुम्हारे जीवन में व्याधियां आए, विपत्तियां आए, परेशानियां आए, प्रतिकूलताएं आए, तो दोनों हाथ उठा करके उनका स्वागत करो, क्योंकि तुम जो जिनको देख रहे हो वो तुम्हारी पैदा की हुई परिस्थितियां हैं। उनसे कहो तुम मेरी संतान हो, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई हो, आओ आओ गले लगाओ, आप देखना आपके जीवन में रस आ जाएगा। पलायन मत करो, डर के मत भागो। श्री अस्माजी महाराज ने कहा, प्रायण श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्तिर्न विद्यते और काष्ठान्यपि ही जीर्यन्ते दरिद्राणांच सर्वशः। बड़े बड़े लोग जिनके यहां बढ़िया बढ़िया माल है खाने के लिए, उनको पचाने की ताकत नहीं है, वो पचा नहीं सकते। और जिनके यहां खाने को कुछ भी नहीं है, उनको पत्थर खिलाओ तो भी स्वाहा। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, पहले तो ये सोचो कि ये जो बात कही जा रही है सच है कि नहीं है, ना सही है ना। यदि महाभारत की रचना को आज के हिसाब से ठीक समझें, जैसे आजकल के लोग कह रहे हैं, आज के लोगों के हिसाब से कहें तो 5,500 साल पहले महाभारत की रचना हुई। हमारे मत में तो महाभारत रचित नहीं है। हमारे यहां पर ये जो पुराणों की रचना है या महाभारत की रचना है, ये मनुष्यकृत नहीं है। व्यास जी महाराज आते हैं, वो इनका पुनर्प्रकाशन कराते हैं, ये निर्माण नहीं करते हैं, सृजन नहीं करते हैं। कोई ये सोचे कि व्यास ने लिख दिया है तो व्यास भी स्वतंत्र नहीं है। ये जो वर्तमान में व्यास हैं, कृष्णद्वैपायन, ये भी 28वें व्यास हैं। इस कल्प में इनसे पहले 27 व्यास हो चुके हैं। बार बार विप्लव आते हैं, बार बार फिर सृजन होते हैं। यहां तो प्रलय और सृष्टि दोनों संग संग चलते हैं।
हम लोग हर रात जब सोते हैं तो पूरी सृष्टि मर जाती है, और सवेरे होते जगते हैं तो सृजन हो जाता है, नित्य प्रलय है जो नजर में नहीं आता। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, ऐसे अनेक प्रकार की प्रलय हैं। तो व्यास जी ने भी ये लिखा नहीं है कि वेदों को चार भाग किए हैं, पर ऐसा नहीं कि अलग अलग मंत्र ला करके बढ़ा दिए, लिख दिए हों। उस महाभारत के अनंत यदि आज की दृष्टि से विचार करें तो 5,500 साल पहले व्यास जी लिख गए, जिसके यहां खाने को है पचाने का दम नहीं है, और जिसके पास पचाने की ताकत है उसके पास खाने को नहीं है। एक किसान जो हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, महाराज उससे पूछो कि तेरे कोलेस्ट्रॉल है क्या, तेने शुगर है क्या, वो कह रहे शुगर महाराज वो 1,000 नित्य प्राणायाम बेचारा फावड़ा चलाते चलाते कर ले, उसे कहां फूफा करने की फुर्सत है। ये समस्याएं तो उनकी हैं जिनके पास खाने के लिए अच्छे साधन है और पचाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जैसे लोग करते कुछ नहीं है, बैठे बैठे यहां बिठा लो वहां बिठा लो, कोई मिलने आ गया तो बैठ लिए, कोई पढ़ने आ गया तो बैठ लिए, कोई पूजा हो गई तो बैठ लिए, प्रवचन हुआ तो बैठ लिए, बैठे ही रहोगे तो फिर बैठे ही रहोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा कि भाई ये जो कोई भोजन पचाने के लिए दूर तक चलता है और कोई भोजन पाने के लिए, रोटी कमाने के लिए दूर तक चलता है। एक कोई भजन है कि किन्होंने गाया है पता नहीं, अरे कोई कारण होगा, पहले लिखती हैं तकदीरें फिर मिलते हैं शरीर, अरे कोई, एक कोई रिक्शा में बैठा है, कोई रिक्शा खींच रहा है, सब पहले से सिस्टम बना हुआ है, हमारे किए गए कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। इसलिए आप राजन चिंता न कर, अनित्य प्रिय संबासे संसारे चक्रवत गतौ पथि संगत मेवैतत भ्राता माता पिता सखा। हम जो बार बार कभी बोलते हैं कि पति पत्नी का संबंध भी शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, ये भी संबंध रास्ते में चलते हुए लोगों का जुड़ जाना है। 20 या 25 वर्ष तक तुम अकेले चल रहे थे, समाज ने परिस्थितियों ने कोई जोड़ा बना दिया, तुम पति पत्नी हो गए, और ये रास्ते में मिलने वाले लोग रास्ते में ही छोड़ जाते हैं, या तो वो छोड़ जाएगी या तुम छोड़ जाओगे, न दोनों संग आए न दोनों संग जाओगे। ये थोड़े दिन का मेला है, इसका आनंद ले लो। ऐसे कह रहे माता पिता भ्राता सखा सब पथि संयत में वैतत, पथि संगत सब रास्ते में मिलने वाले लोग हैं। क्वासे कोच गमिष्यामि कौन वहम किमिहा स्थिता और कस्मात किमनु सोचेयम इत्येषम स्थापयेन मनः, मन में ये सोचो कि तुम क्या हो, तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, क्यों आए हो इस दुनिया में, ये लोग कौन है जो तुमको घेरे खड़े हैं, जिनको तुम माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र कहते हो, ये घर कितने दिन तक है, कब से है कब तक रहेगा, ये चिंतन करना चाहिए। राजन मेरी बात मानो, अस्मा ने कहा जनक जी से सिर्फ एक काम करो, जब तक तुम दुनिया में हो स्वाहा के द्वारा देवताओं को तर्पण करने का उद्यम करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। और जो लोग ये समझते हो ना कि स्वाहा का मतलब माने यज्ञ का मतलब कर्मकांड है, यज्ञ का मतलब देवोपासना है, यज्ञ का मतलब स्वर्ग प्राप्ति की कोई लालसा है, वो पूरी तरह सच नहीं है। हां ये भी है, यज्ञ का मतलब है मनुष्य होने का जो मूल कर्तव्य है उसका निर्वाह करना। आपने पृथ्वी से जो आश्रय पाया है उस पृथ्वी के लिए जीवन में क्या किया आपने, जिस जल से आपने अपने आप को सर्वदा तृप्त किया है उस वरुण के लिए क्या किया आपने, जल के लिए क्या किया, नदियों के लिए, कुओं के लिए, तालाब और सागर के लिए, जिस सूर्य से, चंद्रमा से, अग्नि से आपने प्रकाश पाया है, आपकी आंखों में ज्योति है, ये जो सुविधा मिली है इसके लिए क्या किया आपने। दुनिया में कुछ भी बिना शुल्क के नहीं मिलता है और आपको उजाला मिल रहा है,
आप बदले में कृतज्ञ भी नहीं हो सकते। आप जो श्वास ले रहे हो, आप जो आनंदित होकर के भ्रमण कर रहे हो, इसके लिए वायु के लिए क्या किया आपने? वायु जैसे प्रदूषित होता है तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाता है। और जिस आकाश के बल पर तुम स्पेस पा रहे हो, आप आकाश नहीं होगा तो होठ नहीं खुलेंगे, पलक नहीं झपकेंगे, तुम हाथ नहीं हिला पाओगे, जी नहीं पाओगे। कभी कभी लिफ्ट में जब बंद हो जाते हैं, सब कुछ होता है वहां, अवकाश नहीं होता, आकाश नहीं होता, घुटन हो जाती है, आप जी नहीं पाते हैं। क्या किया इन पंच तत्वों के लिए? यज्ञ करने का मतलब है इन प्रकृति के पंचों तत्वों को शोधित करना, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना, इनके लिए कुछ करना। एक अकेली यज्ञोपासना है जो चीटी से लेकर के तृण आपस्तंभ पर्यंत, माने तिनका से लेकर के ब्रह्म सत्ता तक सबका पोषण करती है। एकमात्र ऐसा उद्यम है, ऐसा आध्यात्मिक उपचार है कि मनुष्य एकमात्र उपाय से सब ऋणों से मुक्त हो सकता है। और हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, महाभारत में अस्मा ने कहा है। यज्ञ करोगे तो क्या होगा? बोले यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्य होगा। और जैसे ये बेचारे हम लोग अभी देख रहे थे, शुरू शुरू में आए तो इधर की सारी पहाड़ी पर मुरझाए हुए पेड़, उदास उदास से पेड़, लगता था जैसे कोई इनका इनको छोड़ के चला गया है, ना मुस्कुराहट ना कोई चमक चेहरे पर। मैं सोच रहा था लगता है बहुत दिन से वर्षा नहीं हुई, और एक हल्की सी वर्षा होने के अगले दिन हम लोग घूमने गए तो हर वृक्ष का पत्ता पत्ता ऐसे खिला हुआ मुस्कराता हुआ था, मानो इसको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। ये वर्षा तो भगवान की कृपा है। आप जल लगाओगे, आप सींचोगे तो जड़ों को, जड़ों में पानी लगा सकते हो, मनुष्य की हिम्मत इतनी है, पर वो परमात्मा को मालूम है कि वो तह तक जाता है और ऊपर तक चोटी तक सब कुछ स्नान करा देता है। वो प्रकृति माँ है जो अपने जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, वृक्षों को, लताओं को, घासों को संवारती है, जैसे तुम अपने बच्चे को स्नान कराते हो बड़े प्यार से, लाड़ से, कि आंख में कोई गड़बड़ ना रह जाए, नाक में कुछ ना रह जाए, कानों के पीछे ना रह जाए नाक। तो वो प्रकृति महारानी भी वर्षा के जल के द्वारा अपने सब बच्चों को स्नान करा देती है, इनको साथ संवार देती है। यज्ञ होगा तो पृथ्वी की संतुलन धारणा शक्ति सुरक्षित रहेगी, यज्ञ होगा तो नदियों में जल बढ़ेगा, कुओं में जल आएगा, सरोवर में जल आएगा, जल शुद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा, अविरल रहेगा। यज्ञ होगा तो वायु प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी, यज्ञ होगा तो यज्ञ की अग्नि से अग्नि शोधित होगा, यज्ञ होगा तो मंत्रों के उच्चारण से आकाश शुद्ध होगा। इसलिए राजन गड़बड़ मत करो, जब तक तुम्हारे शरीर में दम है स्वाहा के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करो, और स्वधा के द्वारा श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का ज्ञापन करो, यही एकमात्र उपाय है। महाराज जनक अस्मा की बात मान करके वापस मिथिला में लौट आए, वन में नहीं गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पर अब के बार जब लौटे हैं तो चेहरे पर शोक नहीं है। अस्मा ने कहा कि संसार अतीति, संसार जो सरक रहा है, जो जा रहा है, गच्छति इति जगत, जो चल रहा है, जो टिकना नहीं है। पुराने चिन्ह मिटते चले जाएंगे, नए नए चिन्हों का उदय हो जाना ही दुनिया है। अब जब व्यास जी महाराज के समझाने पर भी पूरी तसल्ली नहीं हुई, धर्मराज के मुख पर वो सौम्यता का, संतुष्टि का भाव नहीं आया, तो महाराज भगवान कृष्ण ने धर्मराज को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। स्वप्न लब्धा यथा लाभाः वित्था प्रतिबोधने। कहने लगे, अरे भाई दुनिया का सारा रहस्य इतना सा है, सपने में कोई राजा बन गया, स्वप्न में राजा बना, बड़ा मगन है, बहुत सुंदर मुकुट, बड़ा सिंहासन, बड़ी जय जयकार है, पर आंख खुलते ही जैसे स्वप्न का राजा बनना भी खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही संसार की संपत्तियों का मिलना और छूट जाना सपने के जैसा है। तुम अपनी बात छोड़ो,
अपने दादा परदादा गुरु मामा चाचा भाई बंधु पुत्र पौत्र भतीजे आदि की बात छोड़ो, मरुत नहीं रहे, जिनके यज्ञों की धूम आज भी आकाश मंडल को व्याप्त किए वो मरुत नहीं बचे। जो अतिथि पूजा में बहुत प्रसिद्ध थे सुहोत्र नहीं बचे, दानियों में श्रेष्ठ अंगदेशीय बृहदरथ नहीं बचे, शरणागत रक्षक उसी नर शिवी नहीं बचे, महावीर यशस्वी दुष्यंत पुत्र भरत नहीं बचे, अतुल्य मर्यादा पालक भगवान राम के बारे में भी कहा है कहां है वो। जो गंगा को धरती पर लेकर के आए वो भगीरथ कहां है। स्वाध्याय घोषो ज्या घोषो दियता मिति वही त्रय, जिस दिलीप के यहां पर वेदों के मंत्रों का उच्चारण दान के लिए दियताम दियताम और ज्या घोष माने प्रत्यंचा की टंकार, ये तीनों शब्द गूंजते रहते थे, वो कहां है आज दिलीप। एक दिन में सारी पृथ्वी जिसने जीत ली वो मानधाता कहां है, महामनीषी ययाति कहां है, भगवान के अनन्य उपासक अम्बरीश कहां है, बड़े विस्तार वाले परिवार वाले शिशुबिंदु कहां है, और महादानी महाज्ञानी अमूर्त रह के पुत्र गए कहां है। संकृति पुत्र रंति देव चंबल नदी के उद्भव के मूल कारण यही है, वो कहां है। और जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं बचे तो फिर ये बचते क्या जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो। महाराज इन बड़े बड़े महापुरुषों की कथा जैसे हमने संक्षेप में यहां चर्चा की है, पहले भी आई और अब भी आई है, तो किसी ने पूछा महाराज इन महापुरुषों की जो कथा है इनके चरित्र को श्रवण करते हैं हम लोग, इतना समय लगाते हैं क्या फायदा है, इतने बड़े बड़े राजाओं की बात आप सुन लेते हो, सुनाने वाले सुना जाते हैं, फायदा क्या है। बोले उत्तर दे रहे हैं, इन महापुरुषों के चरित्रों का श्रवण करने से मानसिक संताप मिट जाता है। जितनी देर तक आप सत्संग में रहते हैं कथा में रहते हैं, बाबा तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण करने से दुख भाग जाता है, दुख मिट जाता है। पूछो कैसे, बोले जब सीता मां बहुत परेशान थी सुंदरकांड अशोक वाटिका में, हनुमान जी महाराज ने देखा कि मां सीता का दर्द हद से पार जा रहा है, तो हनुमान जी तो बड़े कुशल चिकित्सक हैं, उन्होंने सोचा क्या करूं जिससे कि मां सीता का दुख भाग जाए, तो उन्होंने दवा वगैरह नहीं दी, नाड़ी नहीं पकड़ी, बोले रामचंद्र गुण भर नहीं लागा। आगे क्या हुआ ये पीछे वाले बताएंगे, आगे क्या हुआ। हनुमान जी महाराज ने तो कितना काम किया वो हम बता दें, और बाद वाला जो हुआ वो आप बता देना। रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, सब जानते हैं, देख लो। हनुमान जी महाराज ने ऐसे पवित्र वचनों की औषधि पिलाई दूर से कानों के रास्ते से, और सीता माता का दुख भाग गया। महापुरुषों के चरित्रों का श्रवण करने से क्या हो जाता है, मानसिक संताप मिट जाता है, संसार की अनित्यता का बोध होता है। और सही पूछो तो अपनी, यदि तुम ध्यान से सुनोगे तो अपनी असलियत का पता चलता है कि हम कौन हैं और कहां हैं। सत्संग आपके अस्तित्व का बोध कराता है कि आप कौन हैं, कहां हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक और लोभ की बात बता रहे हैं, दो बातें लोभ की हैं, एक है उम्र बढ़ जाती है और दूसरा है किसी को नौ ग्रह परेशान करते हो तो इन नौ के नौ ग्रहों के दोष शांत हो जाते हैं, ये लोभ की बात है। बोले जी उम्र कैसे बढ़ जाती होगी, बहुत साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है, जितने पल तुम प्रसन्न रहते हो तुम्हारे जीने की उमंगें बढ़ जाती हैं, तो
तुम्हारे जीवन में रस आ जाता है, और जितने पल तुम विषाद में जीते हो उतने जल्दी मरने के करीब जा रहे होते हो। महापुरुषों के चरित्रों का श्रवण करते करते आपकी आंखों में आंसू भी आ गए ना, तो भी अंदर का आनंद आपको, वो आंसू भी विषाद के नहीं होते, वो भी प्रसाद के आनंद के होते हैं। उन आंसुओं के बाद भी लगता है आनंद आ गया, भाई आज तो जी हल्का हो गया। क्रूर ग्रहाभिशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। आप सोच रहे होगे बात जोड़ दिए, हम कुछ नहीं कह रहे, थोड़ा बहुत शब्दों का इधर उधर मिलावट होती हो तो होती हो, पर मूल हमने कहा ना, तथ्य में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है पर तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। कहने का ढंग सबका अलग अलग होता है, सैद्धांतिक रूप से इतना भी इधर से उधर नहीं जा सकते, वो सिद्धांत समझ में आ जाए इसलिए दृष्टांत का सहारा लेते हैं, किसी उदाहरण को लेके आते हैं, अन्यथा सिद्धांत के सिवा बाहर जाने का ना तो हमको किसी ने सिखाया ना हमको आता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज भगवान कृष्ण समझा रहे हैं और धर्मराज जी महाराज फिर भी बार बार एक बार फिर वेदव्यास जी महाराज ने मोर्चा संभाल लिया। बताओ एक व्यक्ति को समझाने के लिए और वो भी समझदार को समझाने के लिए, नारद जी आ गए, व्यास जी महाराज आ गए, भगवान कृष्ण आ गए, तीन तो मुख्य मुख्य आ गए, और भाइयों ने पत्नी ने समझाया वो अलग। वेदव्यास जी महाराज ने शोकाब्धि में डूबे हुए धर्मराज से फिर कहा, राजा का धर्म है रक्षा करना, बहुत हो गया चुप रहो, उठ के खड़े हो। अच्छा तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे कारण ये अपराध हुआ है, सब लोग मरे हैं। यहां व्यास जी महाराज अब तक तो बड़े लाड़ प्यार की कहानियों की कथा की बातें कह कह करके समझा रहे थे, अब महाराज गीर बदल लिया है। तुम क्या समझते हो तुम्हारी वजह से मरे हैं? तुम हो कौन? किसी को जन्म देने वाले, किसी को मारने वाले तुम होते कौन हो? इस संसार में चार कारण हैं, जितना भी कर्म हो रहा है इसमें चार कारण हो सकते हैं। नंबर एक ईश्वर, यदि दोष लगना चाहिए तो परमात्मा को लगना चाहिए, वो नियामक है, वो उर्प्रेरक है, यदि इन सबकी मृत्यु का दोष लगेगा तो उस परमात्मा को मिलेगा उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो मारने का दोष लगेगा तो उसको लगेगा तुम कौन हो। दूसरा कहा कि जो मार रहा है, जिसने मारा है उसको भी कहा जा सकता है कि उसको दोष लगेगा। नंबर तीन, जो मर गया है उसका स्वभाव, उसकी जिद, उसका समय, उसको भी दोष लग सकता है। और नंबर चार, प्रारब्ध के कारण ऐसा होना ही था तो प्रारब्ध को दोष लगेगा, तुम कौन हो। इसका विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं ईश्वर, पहले श्लोक बता रहे हैं, ईश्वरो बा भवेत कर्ता पुरुषो बापि भारत और हठोबा वर्तते लोके कर्मजंबा फलम स्मृतम। तुम तो कहीं दोषी नहीं हो। कहते ईश्वर को कर्ता मान लें, शुभ और अशुभ सब कर्मों का फल भी ईश्वर को ही होना चाहिए, तब तो कोई झमेला ही नहीं है। ये बात भी सच है कि लाठी और बंदूक, तलवार के द्वारा कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो जो व्यक्ति लाठी चलाता है वो पकड़ा जाता है, लाठी को फांसी नहीं लगती है, बंदूक को फांसी नहीं लगाई जाती, जेल जो होती है वो बंदूक चलाने वाले को होती है। तो ये शरीर तो जड़ है, इसमें रहने वाला जो परमात्मा है, शरीर के द्वारा जो कराएगा दोष उसको लगेगा। इस बिचारे मनुष्य की क्या दम है, छेद तु रेब भवेत पापम परशोर न कथंचन। ये तो काटने वाले को दोष लगता है, फरसे को दोष नहीं लगता, बंदूक को दोष नहीं लगता। और यदि आप कहते हो कर्ता को ही पाप पुण्य का फल मिलना है, तब तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि तुमने पाप के समर्थन में खड़े हुए भीष्म द्रोण को मारा है,
तब तो तुमको पाप करने वाले लोगों को मारने का पुण्य मिलना चाहिए। जो गलत पक्ष में खड़े थे उनको मारा है, तब तो पाप नहीं पुण्य मिलेगा। उसने कहा, महाराज मारा तो मैंने है, मुझको तो मारने का मिलेगा। बोले, नहीं नहीं, कुआं खोदने पर धरती को कष्ट होता है, कीड़े मकोड़े मरते हैं, और यदि कोई व्यक्ति इसी डर के मारे महाराज कुआं ही न खोदे कि मुझे पाप लगेगा, कीड़े मकोड़े मरेंगे, हिंसा होगी, तब तो इस धरती पर सारे लोग प्यास के मारे तड़प तड़प करके मर जाएंगे। माना कुआं खोदने पर पाप लगता है, वैसे ही भीष्म और द्रोण को मारने पर भी तुमको पाप लगा होगा। परंतु जैसे कुएं से निकलने वाले जल को पी करके असंख्य असंख्य जीवों के प्राणों की रक्षा होती है, तो उस जल के पान करने से जो जीवन बचते हैं उनका जो पुण्य होता है वो कुआं खुदवाने वाले को मिलता है। वैसे ही इन लोगों के द्वारा जो पाप समर्थित थे, जो पाप संरक्षित हो रहा था, इनको मारने पर थोड़ा पाप लग गया होगा, परंतु इनको मार देने पर जो अनंत पुण्य की प्राप्ति हुई है उसके तुम भाजन हो गए। यदि तुम स्वभाव को कारण मानते हो तब तो संशय ही नहीं है, जिसकी मृत्यु जैसे होनी है पक्का है, तुम्हारा क्या मतलब उससे। और यदि प्रारब्ध को कारण मानते हो तब भी और अच्छा है, धर्माधर्म का आधार प्रारब्ध है, तो तुम क्यों परेशान हो। इसलिए राजन, काल के प्रावल्य को समझो। जब से धरती रही है तब से देवासुर संग्राम हुआ, इन सब बातों को दिमाग से निकालो कि मैं करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तुम तो चाहो तो प्रायश्चित कर लो। जिन लोगों के उत्तराधिकारी नहीं हैं, पुत्र हैं, पुत्रों को राजा बनाओ। और इतना कह रहे हैं व्यास जी महाराज कि जिनके कुमार नहीं हैं उनकी कन्याओं का अभिषेक तत्तद राज्य सिंहासनों पर कर दो। जो राजा मारे गए हैं देश देशांतर के, तुम्हारा दायित्व बनता उठ करके खड़े हो, जिनके उत्तराधिकारी हैं उन पुत्रों को राजा बनाओ, जिनके उत्तराधिकारी नहीं है उन कन्याओं को अभिषेक करके बिठाओ, और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा प्रायश्चित करो और आनंद में आ जाओ। शोक से मुक्त होकर के धर्मराज ने कहा, बाबा ये प्रायश्चित क्या होता है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, भाई देखो, जब व्यक्ति से, मनुष्य से कुछ अनैतिक आचरण हो जाए और उसको समय रहते बोध हो जाए कि गलत हो गया है, तो उस पश्चाताप के साथ शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए जो चित्त का संशोधन होता है, प्रायः ये दो शब्द हैं, प्रायः और चित्त। जो व्यक्ति तप के द्वारा अपने चित्त का शोधन करता है, जिस कर्म से, उसको प्रायश्चित कहा जाता है। तो किन किन कारणों से प्रायश्चित व्यक्ति होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो जयकारा धीमे लगाओ, एकादशी है। हाँ, वैसे एकादशी के दिन लोग और दिन की अपेक्षा डबल नहीं चौगना खाते हैं। जो लोग खाते हैं उनकी कह रहे हैं, जो नहीं खाते उनका क्या कहना है। भैया, जिसके खाते में जितना हिसाब किताब होगा वो उतना ही खाता है, जिनके खाते में कम होगा वो क्यों खाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले को दोष लगता है। कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषिणंच, ऐसा नीति का वचन है। कुचैलिन माने गंदे मलिन कपड़े पहनने का स्वभाव हो, जो दांतों को साफ ना रखता हो, गंदे रखता हो दांतों को, बहुत ज्यादा खाता हो, हपड़ सपड़ करके खाता हो, और जो बहुत कड़वा बोलता हो, जब बोले तब ऐसा बोले कि सुनने वालों के हृदय को चीरते हुए शब्द निकल जाएं,
जैसे युद्ध के मैदान में चुन चुन करके तीर तरकस से निकाले, ऐसे ही बोले तो ऐसा बोले कि सामने वाले के सीने को चीरते हुए निकल जाए। निष्ठुर भाषी। और सूर्योदय चास्त मिते शयानम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले ये छह लोग। विमुन चतिश्री यद्यपि चक्रपाणि ही, भले ही भगवान विष्णु ये छह काम क्यों ना करते हो, लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले को पाप लगता है, प्रायश्चित करने का विधान है। अब ये आजकल ये बात कह दो तो कह देंगे महाराज अपने पाप को रखो अपने पास। हम तो जो लोग सोते ही सवेरे 3 बजे 4 बजे हैं तो वो दिन के 10 बजे से पहले कैसे जगेंगे। हम मार्केट का बाजार का हिस्सा हो गए हैं, इसका प्रमाण है कि रात भर वो चलता है, मार्केट चलता है ना साहब। कौन सा है, कहां से चलते हैं कि रात भर चलना होता है, ग्लोबल है मामला, यूनिवर्सल समस्या है। मार्केट वहां रात को खुलते हैं, हम लोगों के सोने के समय हम कमजोर हैं इसलिए रात भर जगना पड़ता है। एक दिन वैसा भी आना चाहिए कि सारी दुनिया को हमारे लिए जगना हो, मार्केट हमारे दिन में खुले, और जब दुनिया की रात हो तब दुनिया जगती हो, तब तो माने कि भारत ताकतवर हो गया। अभी तो हम उनके लिए रात भर जग रहे हैं। जब हमारा दिन है तब उनकी रात है, जब उनकी रात है तब हमारा दिन है, जब हमारा दिन है तो उनकी रात हो जाती है, वो चैन से सोते हैं, और जब हमारी रात होती है तो उनका दिन हो जाता है, हम उनके लिए जगते हैं क्योंकि मार्केट उनका खुला होता है। इसलिए भाई सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना एक और बहुत खतरनाक बात है। यद्यपि आज के समय में यह आवश्यक नहीं है पर है तो कहेंगे जरूर, क्योंकि शास्त्र केवल आज के लिए नहीं बने, शास्त्र तो सार्वकालिक हैं। हम इनका व्यवहार में आचरण में पालन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं यह हमारी मजबूरी है, पर इसलिए कोई कहे कि शास्त्रों को बदल दो उसका विचार अच्छा नहीं है, उसका ज्ञान भी ठीक नहीं है, चाहे कितने ही बड़े पद पर कोई क्यों ना बैठा हो। लोगों ने फैशन बना लिया है कि शास्त्र के विरुद्ध बोल जाओ, परंपराओं के विरुद्ध बोल जाओ, तोड़ने की बात करो। सुनने में आता अभी किसी ने जल्दी में किसी महापुरुष ने कहा, जिनको महापुरुष बना दिया है समाज ने, कि नहीं भाई शास्त्रों को बदल दीजिए, पुराने हो गए। जो लोग ये कहते हैं ना कि शास्त्रों को बदल दो ये पुराने हो गए, ये नियम तो सतयुग के हैं अब के नहीं है, मैं उनसे निवेदन करके बड़ी विनम्रता से कहूं करोड़ों साल पहले तुम्हारे पूर्वज आंखों से देखते आए थे, ये नियम पुराने हो गए, ये पुराण पंथी पोंगा पंथी ये अंधानुकरण छोड़ दो, आंखों से देखना बंद करो, अब कानों से देखना शुरू कर दो। करो, आपके पूर्वज सब पैरों से चलते आए थे, ये भी कोई जीवन है कि उनकी नकल करते जाओ, अब हाथों से चलने लग जाओ, सर के बल चलने लग जाओ, बदलो। नाक से सूंघते आए थे, नाक से मत सूंघो, मुंह से खाते आए थे, मुंह से खाना बंद कर दो। जिन लोगों का अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है वो पूरी दुनिया को सुधारने की बात करेंगे, शास्त्रों के बदलने की बात करेंगे, पहले शरीर को ही बदल लो। इसलिए जो शास्त्रों के परिवर्तन की बात करते हैं वो दया के पात्र हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो क्या है, दो शब्द हैं, परिवेत्ता और परिवित्ती। परिवेत्ता क्या है, परिवित्ती क्या है, बोले अब तो हो गया समय, ये अगले सत्र में पता चलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।